की लगातार खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास खबर। बड़वानी जिले के सिंधवा शहर के सिंह अभिभाषक अहमद हुसैन के साथ 2 फरवरी को कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में जिले के सभी 5 न्यायालयों के अभिभाषक आज काम से विरत रहे। सिंधवा अभिभाषक संघ के सदस्य अहमद हुसैन अपने भतीजे के साथ नगर में बाइक से जाते समय एक अन्य व्यक्ति से कहा सुनी के उपरांत उसने अन्य लोगों को बुलाकर उनसे मारपीट की थी। मारपीट में उनके सिर में तथा उनके भतीजे को हाथ में गंभीर चोट आए। सिंधवा अभिभाषक संघ के आह्वान पर आज जिले के सभी 5 न्यायालयों में अभिभाषकों ने काम से विरत रहकर न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। बड़वानी में भी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पी के मुकाती के नेतृत्व में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी व प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उत्तम मुकाती जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष बड़वानी दिनांक 2/2/2020 को हमारे वरिष्ठ अभिभाषक सेंधवा बार के अहमद हुसैन साहब के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अमानुषिक रूप से मारपीट की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। ये हम जिले इस बात को लेकर सेंधवा अभिभाषक संघ के द्वारा दिनांक 3/2/2020 को हड़ताल कार्य से विरत रहे और हड़ताल की और उन्हीं के सेंधवा बार के समर्थन में बड़वानी जिले की समस्त बार के द्वारा आज कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है और हम कार्य से विरत हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमारे अभिभाषकों के साथ होती आ रही है और हम उन दोषियों के विरुद्ध जिन्होंने सेंधवा अभिभाषक के साथ इस प्रकार का कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाने की मांग है एक हमारी, और एक ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।